हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट। और सबसे पहले आचार्य चरक का नाम लेकर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है प्रमेह निदान। प्रमेह निदान जो है ये चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 4। और यदि आप बीएमए सेकंड ईयर स्टूडेंट है तो आपको रोग निदान एंड विकृति विज्ञान उसमें से भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड हैं, प्रमेह एंड निदान, ओके। तो प्रमेह क्या है और निदान क्या है, पहले ये समझ लें। निदान आप जानते हैं, कॉजेटिव फैक्टर। एंड प्रमेह क्या है, मॉडर्न कोरिलेशन यदि इसे कहा जाए तो सीधा डायबिटीज, ओके। बट प्रमेह का जो है एक्चुअल मीनिंग सिर्फ डायबिटीज ऐसा नहीं है, प्रमेह और भी होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं। इसीलिए जो सबसे पहला स्टार्टिंग ही किया गया प्रमेह का भेद से, मीन्स क्लासिफिकेशन। तो प्रमेह 20 टाइप्स होते हैं, लेकिन 20 टाइप्स होते हैं इसका कुछ बेसिस होगा। तो इसका बेसिस है बेस्ड ऑन द विशिएशन ऑफ 3 दोषा, तीन दोष जो हैं उनके प्रकोप के बेसिस पे, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ, आपके तीन दोष होते हैं। तो उसमें से भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कफ हो गए तो कफ के वजह से 10 टाइप्स, फिर पित्त के वजह से 6 टाइप, एंड अगेन वात के वजह से 4 टाइप्स के प्रमेह होते हैं, जो आगे इसके बाद बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास तीन वर्ड है, निदान, दोष एंड दुष्य, ओके। तो निदान, दोष एंड दुष्य ये वर्ड क्यों आया, ये बेसिकली इसलिए है कि किसी भी तरह का जो डिजीज हमारे में होते हैं वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे होते हैं। पहला तो है कि निदान, कॉजेटिव फैक्टर, किसी के वजह से, जैसे कि आहारज निदान भी हो सकते हैं या फिर ये विहारज निदान भी हो सकते हैं। फिर उसके वजह से क्या होगा, दोष का विशेषण होगा, नेक्स्ट दोष वात, पित्त एंड कफ, और फिर उस दोष के विशेषण के वजह से फिर दुष्य। दुष्य में आपको 7 धातुज एंड 3 मल आते हैं। तो ये जो है निदान से दोष एंड दुष्य से दुष्य, इनके वजह से फाइनली आपको विकार होगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका निदान, दोष एंड दुष्य के विमर्श के बारे में। और इसका यहाँ पर क्यों चर्चा किया गया है, तो वो इसलिए है क्योंकि इन्हीं के वजह से जो है डिजीज होता है। तो यहाँ लिखा है कि इस शरीर में निदान, दोष एंड दुष्य की विशेषता से विकार विघात भाव एंड विकार विघात अभाव रूप भिन्न भिन्न विशेषता होती है। तो यहाँ जो वर्ड है पहला, निदान, दोष एंड दुष्य, आप जान चुके हैं। विशेषता क्यों दिया गया, विशेषता का मीनिंग यह अधिकता या न्यूनता, या तो एक्सेस हो जाएगा या फिर लेस हो जाएगा। तो उसी के वजह से जो है विघात का भाव एंड अभाव दो चीज़ होगा। तो यहाँ एक वर्ड है विकार, देन विघात एंड भाव, सिमिलर यहाँ विकार, विघात एंड अभाव, ओके। तो निदान, दोष एंड दुष्य यदि ये अधिक होंगे, मीन्स कॉजेटिव फैक्टर हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके वजह से ज़्यादा दोष का विशेषण होगा, दुष्य भी ज़्यादा विशेष होगा। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे में विकार से विघात करने का अभाव होगा। कहने का मतलब है कि डिजीज से लड़ने का जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, मीन्स रोग की उत्पत्ति हो जाएगी अभाव होने से। और यदि यही निदान, दोष एंड दुष्य क्या है, न्यून है, लेस अमाउंट में है, ओके, तो फिर हमें विकार से विघात करने का, विकार से डिजीज से लड़ने का हमारे अंदर भाव होगा। भाव होगा कहने का मतलब रोग की उत्पत्ति यानी विकार की उत्पत्ति ना होना, नहीं होगी, ओके। तो जो यहाँ ये दो वर्ड्स थे उसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि अब जो समराइज फॉर्म में दिया है लाइक निदान, दोष एंड दुष्य, ठीक है, इनकी विशेषता, अगेन विशेषता टर्म आया, उससे चार प्रकार की विशेषता होती है, 4 टाइप्स की। तो विशेषता कहने का मतलब ये जो निदान, दोष एंड दुष्य है, या तो एक्सेस होगा या फिर लेस होगा। तो यहाँ बेसिकली जो ये 4 टाइप्स का जो विशेषता बताया गया वो मेनली लेस वाले, न्यूनता को कंसीडर किया है। पहला है कि विकार अजननम, सेकेंड चिरेन च विकार जननम, थर्ड है अनुविकार जननम, एंड फोर्थ असर्वलिंग विकार जननम। तो फर्स्ट में बात करते हैं विकार अजननम, मीन्स यदि ये निदान, दोष एंड दुष्य ये सब लेस अमाउंट में होगा तो क्या होगा, विकार अजननम, अ मीन्स नोट, यानी कि विकार का सर्वथा ना होना, विकार नहीं होगा। सेकंड क्या होगा, इसकी विशेषता के वजह से चिरेन, चिरेन च विकार जननम, यानी विकार यदि होगा
तो भी चीरेन, चीरेन का मीन्स होता है लेट से, काफ़ी देर से। तो यानी कि इसमें इसके वजह से, यानी कि ये जो निदान दोष एंड दुष्य है जिसकी वजह से हमें डिजीज होती थी, वो यदि विशेषता में, यहाँ पे बेसिकली किसको लिया गया विशेषता, न्यूनता को, ओके न्यूनता, तो इस लेस अमाउंट में इन सभी को होने के वजह से हमें या तो विकार नहीं होगा या फिर विकार लेट से होगा। थर्ड क्या करा, अनुविकार जननम। अनु का मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट में, सूक्ष्म, माइन्यूट, यानी कि यदि विकार होगा भी तो सूक्ष्म होगा, हल्के रूप में होगा। एंड फोर्थ क्या, असर्वलिंग विकार जननम, मीन्स असर्वलिंग, लिंग मीन्स होता है वो रूप, मैनिफेस्टेशन, तो ओ यहाँ नोट लगाया, यानी कि वो सभी का सभी जो मैनिफेस्टेशन होता है उस विकार का, उस डिजीज का, वो सारा का सारा मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा। ओके, तो ये चार जो टाइप्स हो गए थे निदान दोष एंड दुष्य की, विशेषता मेनली लेस अमाउंट में होने के वजह से, उसके बारे में बताया गया। अब जो आगे बात की जा रही है वो है इसका जो है वो कारण क्या है उसके बारे में। ओके, तो उसके पीछे क्या रीजन है, यह सीधा समझा जाए कि रोग का जो उत्पत्ति होता है, जैसे डिजीज होता है, उसके पीछे क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो उस सीक्वेंस पे सीधे बात करते हैं। तो सीक्वेंस में है, पहला है कि निदान अविशेषा परस्परम न अनुबंधिता, मीन्स निदान आदि का परस्पर एक दूसरे से ना मिलना या अनुसरण ना करना। तो हम किसके बारे में अब पढ़ रहे हैं, रोग की उत्पत्ति के बारे में, यानी डिजीज कैसे हो रहा है। और डिजीज होने के पीछे हम तीन चीज़ पढ़े थे, निदान दोष एंड दुष्य, यानी निदान आदि एक्सेप्ट्रा, निदान के बाद जो एक्सेप्ट्रा लगा वो दोष एंड दुष्य के लगा। तो इन दोनों का क्या है, इन तीनों का आपस में नहीं मिलना। ठीक है, परस्परम न अनुबंधितम, आपस में अनुबंधन नहीं होना, एक दूसरे को फॉलो नहीं करना, यानी कि जो है एग्जांपल जैसे यहाँ लास्ट में दिया गया है, जैसे उष्ण गुण से युक्त द्रव्य रूपी निदान से सामान्य गुण वाला पित्त दोष एवं उष्ण गुण युक्त रक्त दूषित होकर रोग का कारण करना। तो यहाँ तीन वर्ड है, निदान दोष एंड दुष्य, हर डिजीज के पीछे यही तीन लॉजिक लग रहा है। तो अब हमारा निदान में जो है आहार विहार हमारा उष्ण वाला है, मीन्स हॉट पोटेंसी वाला, हम खाना खा रहे हैं या फिर वैसा ही विहार ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से विशेषण किसका होगा, पित्त, पित्त भी जो है उष्णता सा, इसका भी प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड जो है दुष्य, उसमें भी कौन सा दुष्य, हमारा रक्त, तो रक्त भी विशेष हो रहा हॉट पोटेंसी की वजह से। यानी कि यदि ये तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो निदान है उसके वजह से दोष बढ़ रहा है और दोष के वजह से दुष्य भी विशेष हो रहा है, एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तब हमारा जो है डिजीज होगा, पावरफुल डिजीज होगा। लेकिन यहाँ क्या, न अनुबंधितम, यहाँ पे जो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे से नहीं मिलने से विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं होगी। अब सेकेंड पे आ रहे हैं, काल प्रकाश प्रकर्षाद, काल मीन्स होता है टाइम, यानी कि क्या है कि थोड़ा देर से निदान का मिलना, दोष का एंड दुष्य का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को फॉलो करना है तो काफ़ी लेट फॉलो कर रहा है, तो फिर एक दूसरे का अनुसरण कर रहा है लेकिन देर से कर रहा है, तो फिर क्या होगा, डिजीज भी हमें देर से होगी। ओके, एंड थर्ड क्या है, अबलियम अंशो, अबल, इसमें जो वर्ड है अबल, यानी कि जो ये तीनों है निदान दोष एंड दुष्य, ये सब क्या है, निर्बल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मीन्स कॉजिटिव फैक्टर्स हो, यानी निदान जो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सेम वात पित्त कफ जो दोष है वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, या दुष्य ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो फिर जो डिजीज भी होगा ना वो तनु रूप में होगा, मीन्स माइन्यूट कम अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉजिटिव फैक्टर था डिजीज़ के लिए, जो निदान दोष एंड दुष्य से रिलेशन था, वो क्लियर हो गया इन चीज़ों में, और उसके लिए जो अभिप्राय करके जो दिया एक एक्सप्लेनेशन की उष्ण गुण वाला, जो उसको क्लियर किया। लेकिन ये क्या था, या तो ना अनुबंध था, या फिर काल लेट से था, या फिर अबल कम पावरफुल था। वहीं पर एक और वर्ड आता है, विपर्यय विपरीता, कहने का मतलब है यदि इसका अपोजिट होगा तो डिजीज भी अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये कि यदि निदान आदि जो भी है, निदान दोष एंड दुष्य, ये क्या कर रहा है, यहाँ न अनुबंधिता कह रहा है ना, यदि अनुबंधन हो, यदि आपस में मिल रहे हैं, तो दोष भी पावरफुल होगा, डिजीज भी पावरफुल होगा।
ऐसे ही काल जो है यहाँ पे क्या था, काल प्रकट साथ था, लेट से मिल रहा था, यहाँ लेट से नहीं, यदि ये जल्दी जल्दी मिल जाए तो भी डिजीज पावरफुल होगा, और ऐसे यहाँ पे अबल था यानी निदान दोष इंदु से क्या था, लेस पावरफुल था, निर्बल था। तो अब क्या होगा, इसका विपरीत है, ये विपरीत है, इसके अपोजिट यदि हुआ तो अबल ना होकर के पावरफुल होगा, बलवान होगा तो डिजीज भी हमारा पावरफुल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात की जा रही है प्रमेह के निदान के बारे में। तो प्रमेह का क्या क्या कॉजेटिव फैक्टर है यदि इस पे बात करना है, तो सबसे लास्ट वर्ड एक चीज़ देखिए, संक्षेप में कुछ दिया है यहाँ, संक्षेप में क्या दिया है, कफ मेद एंड मूत्र, ठीक है, इनकी वृद्धि करने वाले यदि आहार विहार को लिया जाए तो ही प्रमेह का जो है वो ही निदान होगा। ठीक है, तो तीन वर्ड है, कफ मेद एंड मूत्र, तो यहाँ पर तीनों चीज़ का ये क्या कहते हैं, तीनों चीज़ को लिया गया है। जैसे दोष में हो गया आपको कफ, दुष्य में धातु एंड मल दोनों आते हैं, तो दुष्य का जो धातु है उसमें मेद आ गया, जैसे रस रक्त मांस मेद आते हैं ना धातु मेद, एंड दुष्य में मल भी आते हैं, मूत्र सक्रित एंड श्वेत, तो उसमें मूत्र आ गया। तो दोष एवं दुष्य इन तीनों में जो है एक एक को मेनली लिया गया, कफ मेद एंड मूत्र, यदि इसको वृद्धि करने वाले हम आहार विहार लेंगे तो हमारा प्रमेह का वो ही निदान होगा। तो अब आहार में जो लिया गया है जैसे कि नूतन अन्न, मधुर पदार्थ, उदर चना आदि का, दाल मीन्स बेसिकली ये दोनों दाल का हो गया, फिर पिष्टान, पायस, दुग्ध विकार, विलेपी, दही सेवन, इच्छु विकार, तो आहार में जो भी चीज़ आया है वो वैसा होगा जो कफ एंड मेद इन सब को बढ़ाए या फिर मूत्र को बढ़ाए। तो मूत्र को बढ़ाने वाला तो बेसिकली कोई भी द्रव लिक्विड क्वांटिटी कोई भी होगा तो यूरिन को जो है बढ़ाएगा ही। कफ एंड मेद को बढ़ाने वाला मेनली कौन होगा, गुरु आहार, जिसे नूतन अन्न होता है कोई भी नया नया आहार वो गुरु होता है, मधुर पदार्थ भी गुरु होते हैं, और मधुर को इसे रस से भी कंसीडर किया जाए तो मधुर अम्ल लवण ये तीनों रस जो है कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, कफ बढ़ते हैं तो मेद भी बढ़ते हैं, कफ एंड मेद का जो है प्रॉपर्टी सिमिलर होता है बहुत हद तक। फिर उड़द एंड चना इन दोनों का जो दाल है और भी कुछ कुछ दाल है तो उन सब का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी गुरु होते हैं। फिर पिष्टान यानी पिष्टी जो है इसको मैदा या फिर चावल के आटा से कंसीडर किया जाए तो ये भी है गुरु होते हैं। फिर पायस हो गया, दुग्ध विकार यानी कि मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही हो गए, खीर हो गए, ये भी गुरु होता है। सिमिलर इच्छु विकार, इच्छु मीन्स गन्ना शुगर केन, तो उसका विकार में आता है पानी, तराब, गुड़, चीनी, तो ये सब भी गुरु होते हैं। तो गुरु आहार जो भी है जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, कफ बढ़ रहा है, कफ के वजह से फिर मेद बढ़ रहा है। ओके, नाउ कम टू द विहार। विहार में क्या है, जैसे कि ऐसा विहार में वो सब चीज़ लेंगे जो हमारा कफ को बढ़ाए, जैसे कि व्यायाम का त्याग, अब एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसमें जो फैट का डिपोजिशन होता है कफ का वृद्धि होता है। सिमिलर अत्यधिक निंद्रा, यदि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं उसमें भी कफ बढ़ रहा है, फिर शरीर की अशुद्धि भी एक लिया गया है, तो ये हमारे विहार में हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये तो आहार विहार हो गया, और उसमें जो इसका सिंपल जो है निदान में जो संक्षेप में दे दिया गया है कि कफ मेद मूत्र इन सभी की वृद्धि करने वाला कोई भी आहार विहार ले लिया जाए, यदि याद ना रहा तो इन तीनों को याद करके आप खुद से जो है अपने से डाल सकते हैं उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब जो इसका मुख्य दोष का बात किया जा रहा है, तो मुख्य दोष कौन कौन है प्रमेह निदान में, सबसे मेनली जो विशेषण हो रहा है दोष का एंड दुष्य का, तो दोष में मेनली दोष जो विशेष हो रहा है कफ हो रहा है। ओके, उसके बारे में एक श्लोका का लाइन भी है कि बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषा, यानी कि जो वो श्लेष्मा जो कफ है ना बहुद्रवा, उसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होगा वो दोष विशेष हो गया। अब दुष्य में जो है इस प्रमेह में कौन सा दुष्य ज़्यादा विशेषण होगा, तो दुष्य में आ गया मेद। ओके, मेद मीन्स वो धातु, रस रक्त मांस मेद है ना, वो मेद ये विशेष हो रहा है। लेकिन दूसरे में सिर्फ मेद ही नहीं है, दूसरे में और भी सारे दूसरे हैं, वो प्रीडोमिनेंट है मेद। ओके, अब जो और कौन से दूसरे है वो है अन्य दूसरे में, बहुवबद्धम मेदो मांस शरीरज क्लेद शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च ओज संख्या इति दुष्य विशेष, ये सारे दुष्य जो विशेष रूप से इसमें आते हैं। तो कौन कौन से, बहुवबद्ध मेदो, बहुवबद्ध मेदो का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है, बहुल एवं ढीला, यानी कि जो मेद होते हैं जो फैट से जिसका कोरिलेशन होता है मेद का, वो क्या है, बहुल, बहुत ज़्यादा भी होंगे और ढीला भी होंगे, और
अब जो अक्सर वो फैटी लोगों को देखते होंगे, जो उनका टमी फैट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है और थोड़ा ढीला भी होता है, तो वही बहुआ बद्धमेद। नेक्स्ट जो विशेष हो रहे हैं दूसरे, उसमें मांस भी आ रहे हैं। शरीरज क्लेद, शरीरज क्लेद कहने का मतलब बॉडी में जो भी एक्वस अमाउंट है, एक्वस क्वांटिटी है। क्लेद का मतलब होता है गीला करने का प्रॉपर्टी, खास करके लिक्विड वाला। ओके, उसके अलावा जो और भी दूसरे हैं उसमें शुक्र हैं, सोनित हैं, वसा है, मज्जा है, लसिका है, रस है, ओज है, ये सब विशेष हो रहे हैं। ओके, तो दूसरे में जो सात धातु हैं, तीन मल आते हैं, जो लसिका वगैरह हैं ये सब जो है मल में आ जाते हैं। ओके, मल में जो है मूत्र सक्रिय एंड स्वेद आते हैं, तो स्वेद में जो ये स्वेद वाले कैटेगरी में इसको कंसीडर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है निदान सेवन से, इसको सिंपली आप ऐसा समझिए कि ये आपका पैथोजेनेसिस की बात कर रही है। खास करके इसमें हाँ एक और बात, जो ये प्रमेह निदान है ना, प्रमेह जो जिसका मॉडर्न कोरिलेशन डायबिटीज से किया गया है, तो उसमें मेनली जो दोष का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो दोष है आपका कफ, डोमिनेंसी होती है इस दोष की, ठीक है। तो इसलिए जो पैथोजेनेसिस की बात की जा रही है यहाँ पर, जो ये जो साइकिल है संप्राप्ति चक्र वो है मेनली, तो इसमें जो है कफ का प्रकोप की बात की जा रही है। तो निदान के सेवन से मुख्यतः कफ दुष्टि के परिणाम के बारे में लिखा गया, मीन्स जो भी हम कॉजेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से कफ बढ़ रहा है उसको यदि हम यूज करेंगे चाहे आहार में या फिर विहार से, तो कफ विशेष होगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो कैसे होगा, कब विशेषण होने के वजह से, यानी कॉजेटिव फैक्टर जो निदान है उसके सेवन से हमारे बॉडी में सबसे पहले शिथिलता आएगी, बॉडी जो है बॉडी फंक्शन स्लो डाउन होगा, आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। उस शिथिलता के कारण क्या होगा, फिर शरीर में प्रसरण होगा, फैलाव आएगा, यानी कि या तो फैट भी बढ़ेगा और कफ का भी जो है प्रसरण मूवमेंट जो होगा बहुत ईजीली होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट कर रहा है। उसके वजह से क्या होगा, फिर मेद यानी फैट उसमें क्या होगा, अधिक एवं ढीला होना, बहुआ बद्ध मेदो वाला जो है प्रॉपर्टी वो होगा, मेद बढ़ेगा और ज़्यादा भी बढ़ेगा और थोड़ा ढीला भी होगा। उसके बाद क्या होगा, मेद बढ़ने से फिर आगे क्या होगा, तो मेद बढ़ने से मेद के साथ जो है इस कप का जो है कॉम्बिनेशन होगा, संयोग होगा, वो जो कफ बढ़ रहा है निदान सेवन से, तो वो कफ बढ़ा, कफ बढ़ा मेद के पास गया, इसका आश्रय मेद होता है, तो मेद क्या ढीला होने के बाद मेद से संयोग हो गया उसका, और फिर फाइनली जो मेद को दुष्टि। अब ये संयोग होकर दुष्टि क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा कफ बढ़ गया था और कफ बढ़ने के वजह से विशेषण ही हुआ, दुष्टि ही हुआ, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा या कम होना विशेषण है, तो कफ विशेष हुआ। तो विशिएटेड चीज़ किसी के साथ मिलेगा उसको भी विशिएट करेगा, और एक श्लोका भी था कौन सा, वृद्धि समान है सर्वे शाम, तो समान समान मिलेगा तो वृद्धि ही होगा, मेद एंड कप का प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए जो है मेद के साथ संयोग करके जो है वृद्धि यानी एग्रेवेटेड कप जो है मेद को भी एग्रेवेट करेगा पहला, और दूसरा मेद को भी विशिएट करेगा। नेक्स्ट क्या है, अभी तक तो वो मेद को दुष्टि किया, वो कफ और मेद जो है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, इस मांस धातु से, मांस के साथ संयोग होगा, फिर कंबाइंड करके उसको भी विशिएट करेगा, तो मांस जो विशिएट होगा उसका लक्षण पीड़िका के फॉर्म में आएगा, पेन के फॉर्म में आएगा, या तो शराविका या फिर कच्छपिका, और भी कुछ कुछ है, दो वर्ड जो है इसमें दिया गया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शराविका एंड कच्छपिका, कच्छपिका आदि पीड़िका की उत्पत्ति होगी। अब इसके वजह से क्या होगा फाइनल, अभी तक क्या हुआ है, तो अभी तक हमारा सबसे पहले कप का जो है ये कॉजेटिव फैक्टर के वजह से बॉडी में शिथिलता आया, फिर कप प्रसरण हुआ, फिर मेद में गया, मेद को बढ़ाया, ढीला किया, मेद के साथ कंबाइंड किया, मेद को विशिएट किया, फिर वो मांस के साथ कंबाइंड किया, मांस को विशिएट किया, और कुछ कुछ सिम्पटम जो है शराविका कच्छपिका वाला आए हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है, तो अब जो है ये क्या कहते हैं, कफ आपके शरीर का क्लेद दूषण करेगा। ओके, क्लेद मीन्स जो भी वही लिक्विड क्वांटिटी वाला जो भी है कंटेंट, उसको विशिएट करेगा। अब वो क्लेद जो है, जो लिक्विड है, वो क्या करेगा, विशिएट होकर मूत्र का रूप बदल लेगा। यूरिन का फॉर्मेशन तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, आहार रस से जो है मल के रूप में जो है मूत्र बनता, और जो क्षार भाग जो है उससे आहार रस बनता है, तो रस किट से तो वो तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये वही प्रोसेस है, बस यहाँ विशिएटेड होकर के मूत्र बन रहा है। तो मूत्र फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्म होगा तो फिर कहाँ जाएगा, बस्ती मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होगा। तो इस तरीका से जो है मूत्राशय तो
बन ही गया है, सॉरी मूत्राशय में मूत्र आ ही गया है। अब एक्स्ट्रा इसमें जो है तीन वर्ड आ गया है, कफ, मेद एंड शरीर, इसकी क्लेदता। ओके, तो क्लेदता कहने का मतलब वही, उसको गीला करना, वो प्रॉपर्टी। तो फाइनली ये हुआ कि हमारा कफ विशिएशन हुआ, उससे मेद विशिएट हुआ, फर्स्ट कफ, कफ से मेद, मेद से फिर मांस, मांस से मांस में पीटिका वाला पेन, उसके बाद क्लेद का विशिएशन, और क्लेद विशिएशन होने के वजह से मूत्र फॉर्मेशन हुआ और यूरिनरी ब्लैडर में मिल गया, जाकर के स्टोर हो गया, मूत्राशय को मिल गया। तो फाइनली जो भी हम दोष अब पढ़ेंगे कफ वगैरह का या पित्त का या वात के वजह से प्रमेह, उस समय जो मेनली अटेंशन इस बात पर दिया जाएगा कि यूरिन में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया गया है मूत्राशय की प्राप्ति, ओके, इसके बेसिस पे, तो इसलिए यहाँ पे मूत्राशय और मूत्र की बात की जा रही है। तो ओके, अब क्या है कि मूत्र स्वरूप को प्राप्त करना तथा कफ के 11 गुण। अब जो है ये जो हमारा विशिएट हो गया क्लेदन, वो फाइनली मूत्र बन गया, मूत्राशय में स्टोर्ड हो गया। तो अब हम जो है सबसे पहले कफज प्रमेह की बात कर रहे हैं। तो कफज प्रमेह जो बताया गया, टोटल 10 है कफज प्रमेह, टोटल 30 प्रमेह में 10 कफज हैं, 6 पित्तज हैं एंड 4 वातज हैं। ओके, सॉरी टोटल 20 कफज प्रमेह थे, 30 गलती से बोल लिया। ओके, तो अब जो 11 गुण की बात की जा रही है, ये 11 प्रॉपर्टी कफ की है। श्वेत, शीत, ठोस, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद एंड मंद। ओके, इसके लिए एक श्लोका भी है, श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मंदे है। ओके, यदि ये श्लोका का ये जो छोटा सा लाइन यदि याद रह गया तो इसमें टोटल 11 प्रॉपर्टी ऑफ कफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये 11 प्रॉपर्टी के बात क्यों की जा रही है, इसी 11 प्रॉपर्टी के बेस्ड पे जो है 10 टाइप्स ऑफ प्रमेह होता है। ओके, तो इसके बेस्ड पे ये प्रॉपर्टी 11 है, प्रमेह 10 टाइप्स है कफ वाला, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हुआ कि इसमें से कुछ प्रॉपर्टी या तो सिंगल एक प्रॉपर्टी के मिलने से प्रमेह होगा, या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के मिलने के वजह से भी प्रमेह होगा, यानी कि इन सारे 11 प्रॉपर्टी के बेस्ड पे जो है हमारा कफज प्रमेह हो रहा था। हो सकता है कि कुछ प्रमेह ऐसा हो जिसमें श्वेत एंड शीत दोनों गुण मिला हो। इसमें से जैसे टोटल 10 कफज प्रमेह हैं, उसमें से एक हो गया आपको, इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी शीत वाला प्रमेह, शीत वाला प्रॉपर्टी है। ओके, और एक प्रमेह का नाम भी है शीत में, तो उसमें क्या होगा कि ओनली शीत वाला प्रॉपर्टी उसमें मिक्स होगा, से उसमें किसी और का मिश्रण नहीं होगा, केवल शीत प्रॉपर्टी के बेस्ड पे वो कफज प्रमेह शीत में है। लेकिन अब जैसे है कि आपके उदक में, तो उदक नाम से इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ऑब्वियस है कि ये उदक मेह में जो है कोई एक प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, मोर देन वन प्रॉपर्टी होगा, उसके कॉम्बिनेशन से वो प्रमेह बना होगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि 11 गुण का मतलब ये नहीं है कि ये जो 11 गुण है यही 11 प्रमेह, यानी कि श्वेत प्रमेह, शीत प्रमेह, ठोस प्रमेह, पिछिल प्रमेह, ऐसा कफज प्रमेह नहीं होगा। ओके, हाँ कुछ कुछ है जो सेम नाम से है और वही प्रमेह है, जैसे कि एक शीत में है और एक दो है, जो आगे क्लियर हो जाएगा जब कफज में अभी टाइप्स देखेंगे। तो इस तरीके से तो अभी पैथोजेनेसिस से कफज में हो गया संप्राप्ति से, अब कफज प्रमेह के बारे में ही डायरेक्ट देख लिया जाए। तो कफज प्रमेह जो है टोटल 10 है, उसका नाम देख लीजिए। तो उसका नाम सबसे पहले है उदक में है, इच्छु बालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में, स्नेह में एंड अलाला में। ओके, तो नाम से ही जो है इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। और एक बात पहले बताया गया था कि जो भी मेह है, जो भी पैथोजेनेसिस था, वहाँ पे फाइनली जो है क्लेद बन करके मूत्राशय को मिला था, यानी कि मूत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो जो भी प्रमेह हम चेक करेंगे उसका बेसिकली उसके मूत्र के बेस्ड पे जो है उस प्रमेह को चेक करेंगे। ओके, तो सब में जो है मूत्र ही देखना है, यूरिन को। तो पहला वर्ड है इसमें उदक मेह में, उदक, तो उदक का क्या मीनिंग बनता है? उदक मीन्स होता है वाटर, यानी कि इस तरह का जो मेह होगा उसमें जो यूरिन में कुछ ना कुछ वाटर वाला प्रॉपर्टी होगा, तभी तो नाम उदक दिया है। तो वही चीज़ है, इसमें जो है यूरिन जो होगा, जो भी पेशेंट है इस तरीका का मेह का, उसका जो मूत्र होगा जल के समान होगा, जल के समान शीत एंड स्वच्छ, वैसा मूत्र त्याग करेगा। तो उदक से जो है जल आता है वर्ड, वो क्लियर हो गया वाटर। नेक्स्ट में है इच्छु बालिका में, इच्छु का मीन्स होता है शुगर केन, गन्ना। तो
इसमें जो भी चीज़ होगा प्रॉपर्टी उसमें कहीं ना कहीं इक्षु आएगा। ओके, तो इक्षु से यहाँ इक्षु रस के समान मूत्र आएगा। ओके, तो इक्षु रस जो होता है शुगर केन का जो जूस होता है वो कैसा होता है, मधुर होता है, शीत होता है और थोड़ा वो उसमें ये क्या कहते हैं थोड़ा वो गंदला दिखता है। ठीक है, तो वैसा ही मूत्र का भी जो कलर होगा या फिर प्रॉपर्टी होगा, टेस्ट वगैरह होगा इक्षु में। नेक्स्ट है सांद्र में, तो सांद्र में जो वर्ड सांद्र आया है तो इसे कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो सांद्र मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड, तो यूरिन भी ऐसा ही गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र होगा। तो बेसिकली ये यूरिन जो है किसी पात्र में रख दिया जाए और कुछ टाइम के बाद जो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सांद्र प्रसाद में, तो इसमें ये दो वर्ड है, एक सांद्र है, नेक्स्ट वर्ड है प्रसाद। तो इन दोनों वर्ड से मिलता जुलता कुछ प्रॉपर्टी यूरिन में होगा, तो पहला सांद्र तो क्लियर है कि वो गाढ़ा होगा, एंड प्रसाद का मीन्स होता है क्लीन, स्वच्छ, निर्मल। तो इसलिए यूरिन में एक और प्रॉपर्टी आएगा स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ या निर्मल कुछ भी कहा जाए वैसा मूत्र होगा। ओके, नेक्स्ट शुक्ल में है। ओके, शुक्ल में वर्ड आया शुक्ल, शुक्ल का मीन्स होता है वाइटी, सफ़ेद। ओके, तो इसमें यूरिन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा जो वाइटिश होगा, तो बता रहा है यहाँ श्वेत वर्ण का होगा। ओके, श्वेत वर्ण में भी कैसा वाइट होगा, जो चावल का आटा होता है पिष्टी वैसा वाइट कलर का होगा। नेक्स्ट है शुक्र में। ओके, तो शुक्र में शुक्र का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा जैसा अभी तक देख रहे हैं, तो शुक्र का ये प्रॉपर्टी होगा या तो यूरिन शुक्र के समान होगा या फिर ऐसा होगा कि उसमें शुक्र मिला होगा उस यूरिन में, वैसा यूरिन वो त्यागेगा। ओके, वैसा मूत्र होगा या तो शुक्र के जैसा होगा या फिर उसमें शुक्र मिला होगा। नेक्स्ट शीत में। ओके, शीत में कौन सा वर्ड आया, शीत, शीत का मीन्स होता है कोल्ड, ठंडा, यानी कि यूरिन में जो कुछ ना कुछ हुए कोल्ड वाला प्रॉपर्टी होगा तो शीतल मूत्र त्याग करेगा, ठंडा मूत्र त्याग करेगा। ओके, और एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आ गया थोड़ा मधुर। नेक्स्ट है सिकता में, तो सिकता का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सिकता मीन्स होता है कुछ पार्टिकुलर, कुछ मूर्त रूप में जो है वो निकलेगा सॉलिड जैसा। तो इसमें जो है मूत्रगत दोषों में क्या है, रेत जो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल रेत के समान मूत्र के साथ निकलना, यानी यूरिन के साथ साथ कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल भी आएगा, ये हो गया सिकता में। नेक्स्ट है स्नेह में, स्नेह मीन्स होता है स्लो, धीरे धीरे। ओके, तो इसमें भी यूरिन में कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी होगा जो स्नेह से जुड़ा हो, तो जो यूरिन त्याग करेगा वो जो यूरिन आएगा उसका उस पर्सन को धीरे धीरे यूरिन मंद मंद वेग से आएगा, वेग रहित होगा, वेग सहित नहीं करा, वेग रहित उसका जो है जो नॉर्मल वेग होता है जिस स्पीड के साथ लोग यूरिन निकालते हैं वो वेग के साथ नहीं होगा, उससे कम वेग होगा, इसलिए स्नेह में। नेक्स्ट जो है अलाला में। ओके, अलाला में आप लोग यदि भैषज्य कल्पना पढ़े होंगे तो उसमें भैषज्य कल्पना में जब अवलेह होता है, अवलेह का परीक्षा में क्या करते हैं, थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में जो है जब अवलेह प्रिपरेशन के टाइम में टेस्ट करते हैं वहाँ पर रख करके थोड़ा सा एक ड्रॉप, उसके बाद जो फिंगर एंड थंब को सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा और थोड़ा तंतुनुमा जो होता है वो तंतुनुमा परीक्षा जो करते हैं वैसा ही इसमें भी होगा, यानी कि तंतु के तरह होगा और बंधा हुआ तंतु जो होता है वैसा चिपचिपा मूत्र का त्याग करेगा, तो मूत्र विस्कस भी होगा और फिलामेंटस भी होगा। ओके, तो ये हो गया इस तरह का 10 तरह का कफज प्रमेह। अब कफज प्रमेह के बारे में आगे ये बात हो रही है कि ये साध्य है, वातज पित्तज भी है, लेकिन जो कफज प्रमेह है ये साध्य है, जो पित्तज प्रमेह है आगे बताया जाएगी ये याप्य है। याप्य मीन्स असाध्य दो तरह के होते हैं, कि याप्य अनुपक्रम, याप्य होते हैं जो चलता रहेगा, जब तक लाइफ है तब तक डिजीज रहेगा, मीन्स उसको जो है आहार विहार की वजह से जो है उसको सप्रेस करके रखा जाएगा, कंट्रोल्ड वे में रखा जाएगा, लेकिन कंप्लीट ट्रीट नहीं होगा, लेकिन ये ट्रीटेबल है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो बताया जा रहा है यहाँ पे तीन पॉइंट के थ्रू कि क्यों साध्य है, लेकिन एक और पॉइंट कि वातज प्रमेह असाध्य है, पितज प्रमेह याप्य है, एंड कफज प्रमेह साध्य है। तो वो कफज प्रमेह साध्य क्यों है, तो उसके पीछे तीन रीजन, एक समान गुण मेधः स्थानकत्वात्, सेकेंड है कफस्य प्राधान्यात्, एंड थर्ड समक्रियत्वात्। ओके, तो इसका क्या मतलब है समान गुण मेधः स्थानकत्वात्, इसका मतलब ये है कि दो वर्ड है समान गुण मेध, यानी कि जो कफ का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो गुण मेध के गुण के सिमिलर होता है। जैसे कफ का प्रॉपर्टी होता है स्निग्ध शीतो गुरु मंद मृतस्ना स्थिर कपा, ऐसे ही कुछ अष्टांग का श्लोका था,
तो वो प्रॉपर्टी एंड मेद का प्रॉपर्टी सेम होता है, पहला बात। तो प्रॉपर्टी सेम होने से क्या होगा, साथ साथ एक और पॉइंट की उसमें कप की डोमिनेंसी होती है, कपस्य प्राधान्यात। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर कर रहा है, समय समक्रियत्वाच, यानी कि जो इसमें ट्रीटमेंट जो विरुद्ध उपक्रम नहीं होता है, ट्रीटमेंट सेम होता है। यानी कि यदि हम कप का ट्रीटमेंट करें तो मेद का भी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो जाएगा, इसीलिए ये साध्य, यानी कि एक दूसरे को ट्रीटमेंट में अपोज नहीं कर रहा है, जो कि पित्तज प्रमेय में नॉर्मली होता है। ओके, तो इस तरीके से इसमें जो है दोष कफ एंड दूसरे के समान चिकित्सा में विधान होता है, यानी कि ट्रीटमेंट अपोजिट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है कफज प्रमेय का बात हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम वातज प्रमेह के बारे में एंड पित्तज प्रमेह के बारे में बताएंगे, जो आगे बचा है उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो एक और बात, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या गलती है और क्या सुधार करना है। एंड थैंक यू।